पूरी दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर चीज उल्टी होती है। जहां पूरी दुनिया में 2023 चल रहा है, वहीं जापान 2050 में जी रहा है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में ट्रेन सीधी चलती, वहीं जापान में ट्रेनों को भी उल्टा चलाया जाता है। यहां ट्रेनों के लिए हैंगिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं जिससे ट्रेन लटक कर चलती है। वहीं जहाँ सभी देशों में ट्रैफिक लाइट लाल, हरे और पीले रंग की होती है, लेकिन जापान में 1973 से ही हरी लाइट की जगह नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और दोस्तों, आपने एक नॉर्मल टॉयलेट तो देखा होगा जो पूरी तरह बंद होता है, लेकिन जापान में शीशे से बने हुए चमचमाते हुए खुले टॉयलेट होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल करें। और तो और, इनको लॉक करने पर अपने आप ही दिखना बंद हो जाता है। और तो और, जापान में लोग पालतू कुत्तों की जगह रोबोट डॉग पालते हैं। क्या आप जानते हैं चीन और जापान में बुलेट ट्रेन को इस तरह क्यों सजाया जाता है? और तो और, चीन में यह बस सड़कों पर इंद्रधनुष बनाते हुए घूमती रहती है। यह बस यहाँ एक शहर में नहीं बल्कि सभी शहरों में ही सड़कों पर पानी डालती रहती है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन की सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगते हैं जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन यहाँ प्रदूषण के नियम इतने सख्त हैं, यहाँ कोई भी चीज कोयले से नहीं चलती है। और यह बस इंद्रधनुष बनने के लिए नहीं बल्कि सड़कों और प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जाती है। इन बसों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं, पास से गाड़ियां गुजरने पर पानी अपने आप बंद हो जाता है। यह ट्रेन देखने में भले ही असली ना लगती हो, लेकिन यहाँ त्योहार आने पर ऐसे ही ट्रेनों को सजाया जाता है। क्या आप जानते हैं, जापान के एक बुलेट ट्रेन की नाक 10 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन जापान के अलावा सभी देशों में बुलेट ट्रेन की नाक छोटी रखी जाती है। यहाँ तक कि चीन में जापान से भी तेज बुलेट ट्रेन दौड़ती है। तो आखिर जापान में बुलेट ट्रेन की नाक लंबी रखने के पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान में बुलेट ट्रेन की रफ्तार चीन और फ्रांस, इटली जैसे देशों से भी कम है। जहाँ चीन में बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जापान में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है बुलेट ट्रेन। तो आखिर जापान में इसकी नाक लंबी क्यों है? तो दोस्तों, जापान में साधारण डिजाइन वाली ट्रेन जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी सुरंग से गुजरती है तो बहुत तेज धमाके जैसी आवाज होती है, और इसी आवाज के कारण लोग परेशान ना हो तब यह लंबी नाक वाली ट्रेन लॉन्च हुई है।